हेलो स्पीरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 321 से 298 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड था। ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। जो मौर्यन डायनेस्टी थी या मौर्यन जो एम्पायर था, इसके फाउंडर माने जाते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑल्सो कॉल्ड सेंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस बाय ग्रीक स्कॉलर्स। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि सेंड्रोकॉटस कौन से मौर्यन रूलर को कहा गया है या एंड्रोकॉटस कौन से मौर्यन रूलर को कहा गया है, राइट? तो इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, मौर्यन डायनेस्टी में हमने लिटरेरी सोर्सेज पढ़ लिए हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज पढ़ लिए हैं, उसके बाद रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, क्वींस एडिक्ट है, रुमिंदी पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ही हम रूलर्स तक पहुँचे हैं, राइट? तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। फाइन, तो देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रीक स्कॉलर्स चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहकर बुलाते थे, तो वो था सेंड्रोकॉटस एंड एंड्रोकॉटस, राइट? वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। नोट्स पे मैं इतना ज़्यादा फोकस इसलिए करती हूँ कि एक बार आपके नोट्स बन गए तो कोई भी एग्जाम आता है आप नोट्स को रिवाइज करेंगे एंड देन आपका हो गया, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट आता है अलायंस। अब किस अलायंस की बात हो रही है? देखिए, प्रवक्ता प्लस चाणक्य, इन दोनों के साथ मिलकर अलायंस बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। देन ही डिथ्रोन द लास्ट नंदा रूलर धनानंद। अब देखिए होता क्या है, हमने पढ़ा मगध डायनेस्टी चल रही थी, वहाँ पे हरियंक डायनेस्टी है, शिशुनाग डायनेस्टी है, नंदा डायनेस्टी है। तो नंद डायनेस्टी के रूलर धनानंद उस टाइम पे रूल कर रहे थे, ठीक है? तो होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य अलायंस बनाते हैं प्रवर्तका और चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, जो कि उनके पीएम थे, उनके साथ मिलकर, और धनानंद को उनके सिंहासन से एक तरह से मतलब डिथ्रोन कर देते हैं उनको। आप समझते हैं कि उनको राज्य की पदवी से हटा देते हैं, डिथ्रोन कर देते हैं, उनके सिंहासन से हटा देते हैं। तो ऐसा नहीं कि उठा के गिरा दिया सिंहासन से, मतलब उनकी पदवी जो होती है राजा की, वो उनसे छीन लेते हैं, उनको हरा देते हैं और खुद यहाँ पे राजा बन जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि किसके अलायंस है, किसकी हेल्प से? चाणक्य तो बिल्कुल है ही, प्लस प्रवर्तका की हेल्प से, ठीक है? कैपिटल क्या थी चंद्रगुप्त मौर्य की? तो वो थी पाटलिपुत्रा, ठीक है? देन ही मूव टू सेंट्रल इंडिया एंड ऑक्यूपाइड द रीजन नॉर्थ ऑफ नर्मदा। नर्मदा नदी के नॉर्थ तक का सारा रीजन चंद्रगुप्त मौर्य ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है? 305 बीसी में क्या होता है, ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया 305 बीसी में। और सेल्यूकस निकेटर कौन थे? अब देखिए, अगर आप मेरी पूरी की पूरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम कहाँ पहुँच गए एकदम से। तो देखिए, अलेक्जेंडर हमने पढ़ा था, सिकंदर आए थे, ठीक है? उन्होंने क्या किया, यहाँ पे काफ़ी कुछ जीता, लेकिन उनकी आर्मी थक गई थी बार बार वॉर करते करते। उन्होंने तो फिर मना कर दी कि हम इससे आगे वॉर नहीं कर सकते, तो फिर उनको वापस लौटना पड़ा था। लेकिन जितना भी एरिया उन्होंने इंडिया में जीता था या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जीता था, उसको उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे एम्पायर्स या आप कह लीजिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट्स बनाए, तीनों के लिए एक एक गवर्नर रखा। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था उसके गवर्नर रखा उन्होंने सेल्यूकस निकेटर। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उस सेल्यूकस निकेटर को हराया 305 बीसी में, जो कि कौन था, द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है? अब जो सेल्यूकस निकेटर थे, सरेंडर्ड अ वास्ट टेरिटरी इन रिटर्न फॉर 500 एलिफेंट्स। सेल्यूकस निकेटर ने बहुत सारा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, बदले में क्या लिया, सिर्फ 500 हाथी, ठीक है? ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है। हिंदुकुश बिकेम द बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट्स। जो सेल्यूकस निकेटर का एरिया थोड़ा बहुत बचा और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके बीच में जो बाउंड्री बनी वो बनी हिंदुकुश माउंटेन्स, ठीक है? अब आगे भी कुछ इन्होंने किया था खास, वो क्या है, लेट मी जस्ट द पेज फर्स्ट। ओके, सो सेल्यूकस मैरिड हिज डॉटर हेलिना टू चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, अपनी बेटी हेलिना की शादी करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है? अब देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा साथ साथ में, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेल्यूकस सेंट ग्रीक एम्बेसडर मेगस्थीन्स टू हिज कोर्ट। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, ग्रीक एम्बेसडर को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगस्थीन्स। और मेगस्थीन्स ने कौन सी बुक लिखी है, इंडिका, ये हम पढ़ चुके हैं लिटरेरी सोर्सेज में, राइट? नेक्स्ट आता है, ही एम्ब्रेस्ड जैनिज्म। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, एंड एट द एंड ऑफ हिज टाइम, जिस टाइम मतलब इनका एंड होने वाला था, बिल्कुल डेथ के करीब थे, बुढ़ापा आ गया था उस टाइम पे, ही वेंट टू चंद्रगिरी हिल। चंद्रगिरी हिल पे ये चले गए थे, जो कहाँ है, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में है, ठीक है? वहाँ पे ये चले गए थे विद भद्रबाहु, फेयर ही डाइड ऑफ स्लो स्टार्वेशन। भूख से मतलब तड़ तड़प के इनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी, और भद्रबाहु जो है उनके साथ ही वहाँ पे गए थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू यूनाइट द होल नॉर्दर्न इंडिया। पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है
पूरा का पूरा जो उत्तरी भारत है उसको एक साथ जोड़ने वाले, उसमें एकता लाने वाले, उसको यूनाइट करने वाले पहले भारतीय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बोथ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर फ्लोरिश ड्यूरिंग हिज रियान। इनके टाइम पीरियड में ट्रेडिंग यानी व्यापार भी बढ़ा, खेती बाड़ी भी काफ़ी फ्लोरिश की गई। सैनिटेशन मेजर्स वर अंडरटेकन बाय द स्टेट। सैनिटेशन पे भी काफ़ी फोकस उस टाइम पे किया गया, तो सोचिए वो कितना सफाई के प्रति जागरूक थे, है ना। तो चलिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। एंड आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरी हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट हमें जिस रूलर के बारे में पढ़ना है वो है बिंदुसार। बिंदुसार के टाइम पीरियड की बात करें तो 298 BC से 273 BC तक का इनका टाइम पीरियड था, राइट। एंड फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो कॉल्ड बाय द ग्रीक्स एज अमृत घाटा। अब जो ग्रीक्स हैं वो बिंदुसार को क्या कह के बुलाते थे, तो वो बुलाते थे अमृत घाटा बुला के, जिसका मतलब है स्लेयर ऑफ द एनिमीज, राइट। अब अमृत घाटा जो है इसे कई जगह आप अमित्रो चैट्स के नाम से भी पढ़ेंगे, तो आपने देख लेना है आपकी बुक में जो भी दिया उस हिसाब से थोड़ा समझ लेना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, बाकी याद करने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए चाइनीज टेक्स्ट की बात करें, जैन टेक्स्ट की बात करें, या वायु पुराण की बात करें, तो देखिए तीनों में ही इन्हें अलग अलग नाम से मैंशन किया गया है। जैसे कि चाइनीज टेक्स्ट में इन्हें कहा गया है विंदुपाल, जैन टेक्स्ट में इन्हें कहा गया है सिन्हसेना, एंड वायु पुराण में इन्हें कहा गया है भद्रसारा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि किसके हिसाब से क्या कहा गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राइट। ही हैड कॉन्कर्ड द डक्कन अप टू मैसूर। मैसूर कहाँ पे है, कर्नाटका में है, तो यहाँ तक का सारा एरिया इन्होंने कवर कर लिया था, बट उससे आगे ये नहीं जा पाए थे। नाउ तारानाथ, तारानाथ कौन थे, द बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बुद्धिस्ट भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे। ही स्टेट्स दैट बिंदुसारा कॉन्कर्ड 16 स्टेट्स कॉम्प्राइजिंग लैंड बिटवीन द टू सीज। तो तारानाथ जो कि एक बौद्ध मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनके हिसाब से जो बिंदुसार थे मौर्य डायनेस्टी के रूलर, उन्होंने 16 स्टेट्स को कैप्चर किया था, जो कि दो सीज के बीच में आती थी, मतलब इस तरह से, इस साइड भी इस साइड भी, तो यहाँ पे जो है इस तरह से, उस टाइम कह लीजिए उस टाइम के हिसाब से 16 स्टेट्स को इन्होंने कैप्चर किया था, तो ये माना जाता है। लेट मी जस्ट द पेज फर्स्ट, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ और, संगम तमिल लिटरेचर, ये संगम का तमिल लिटरेचर है, इसके हिसाब से इट कन्फर्म्स द मौर्यन इन्वेजन टू द फार साउथ। साउथ में बहुत नीचे तक जो मौर्य थे इन्होंने आक्रमण किया था, इस चीज़ को कन्फर्म करता है संगम तमिल लिटरेचर, ठीक है। तारानाथ से हमने इसे जोड़ दिया। अब हम पढ़ेंगे प्लिनी क्या कहते हैं। प्लिनी के हिसाब से इट मैंशन दैट पटोलमी फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट सेंड डायोनीसिस एज हिज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। प्लिनी के हिसाब से इन्होंने मेंशन किया है कि जो पटोलमी फिलाडेल्फस थे, नाम आपने देख लेना है, जो कि कहाँ के थे, इजिप्ट के थे, उन्होंने भी एक एम्बेसडर भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में, और उनका नाम क्या था, डायोनीसिस। स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन देख लेना है। अब नेक्स्ट आता है बिंदुसारा रिसीव्ड डिमेट्रस एज एम्बेसडर फ्रॉम द साइरिया किंग एंटियोचस फर्स्ट। अब बिंदुसार के ही कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक एम्बेसडर, एक राजदूत आया किसका, प्टॉलमी फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट का, और दूसरा आया किसका, साइरिया किंग एंटियोचस फर्स्ट का, इसका नाम क्या था, डिमेट्रस। तो आपने दो याद रखने हैं, ठीक है। इन्होंने साथ में जो है वाइन हो गया, ड्राइड फिक्स हो गया, ये सब कुछ भी भेजा था मौर्यन कोर्ट में, मौर्य जो राजा थे इनके दरबार में। बिंदुसार की बात हो रही है, बिंदुसार ने रिक्वेस्ट की थी इन चीज़ों के लिए तो भेजा था, लेकिन इन्होंने सोफिस्ट नहीं भेजा, क्योंकि सोफिस्ट भेजना जो है उसको बेचना एक तरह से ग्रीक लॉ के अगेंस्ट होता है। तो तीन चीज़ों की रिक्वेस्ट की थी बिंदुसार ने, बट दो चीज़ें वहाँ से आ गई थी, तीसरी चीज़ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वहाँ के लॉ के हिसाब से वो गलत था उसको बेचना या देना, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है पेट्रोनाइज्ड आजीविका सेक्ट, रिलीजियस सेक्ट, ये एक धार्मिक सेक्ट था, ठीक है। तो इसको पेट्रोनाइज किया, इसको शरण दी, काफ़ी बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, इसमें कोई समझाने वाला है नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चलने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब,
बेल आइकन को कीजिए प्रेस सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट मेरे हैंड रिटन नोट्स का थोड़ा बहुत फ़ायदा उन्हें भी हो। राइट सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।